कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला एवं भक्त चरण दास गुरुवार को दुर्ग प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने मीडिया के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस 75 पार सीट पर कब्जा करेगी। पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस का माहौल अच्छा है। भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के झूठे वायदों को जनता जान चुकी है। वो जो लगातार मेहनत था, उससे आया। यही बात है कि कांग्रेस का शुरुआत, ये कांग्रेस का जब हम डिवाइडेड था, मध्य प्रदेश में था, तब भी कांग्रेस का ये बहुत बड़ा दर्द रहा। एक नेता पे भी केंद्रीय नेतृत्व, भाजपा के नेतृत्व का भरोसा नहीं है। उनको कहीं कोई तरजीह नहीं देते हैं। दिल्ली से लाला के मंत्रियों को घुमाते हैं, वो भी रहने वाले हैं। और प्रधानमंत्री जी के फोटो वोट मांगने, तो क्या मोदी जी आके मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? मुख्यमंत्री पद के कैंडिडेट हों तब तो लोग वोट दें। ये तो विधानसभा का चुनाव है। कर्नाटक में भी आशान्वित थे, हिमाचल में भी आशान्वित थे, बंगाल में भी आशान्वित थे, अब क्या हुआ? और पिछली बार जब चुनाव हुए तब भी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ सब जगह आशान्वित थे। अभी तेलंगाना में भी आशान्वित है, वहाँ 2 सीट से ऊपर तीसरी सीट नहीं आने वाली। तो इनकी एक तौर तरीका ही है, बढ़ चढ़ के बोलो, बताओ जीत रहे, जीत रहे, जीत रहे, और बाद में जब हार जाओ तो समीक्षा बैठक करो, बैठ के इन्हें समीक्षा करेंगे कैसा क्यों क्या। तो ये इनकी आदत है बढ़ चढ़ के बोलने की और प्रचार करने की, विरोध और सामने वाले को गलत प्रचार, दुष्प्रचार के जरिए दबाने की, झूठे आरोप लगाने। शराबबंदी एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ रोजगार के तो इतने अवसर पैदा किए गए कि शायद आप सोच नहीं सकते। गांव गांव में देखो लोगों का जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, लाखों लोगों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आप जाके देखिए, सबसे मजबूत किया है तो वो बघेल सरकार ने किया। जिले में मुझे लगता है कि बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे इस पूरे इलाके के। अरुण वोरा जी भारी बहुमत से जीतेंगे यहाँ से, और बाकी लोग भी जीतेंगे। अब देखिएगा मैनिफेस्टो सिद्ध किए हैं कांग्रेस ने, उन गारंटियों पर पूरा अमल होगा और लोगों के जीवन में और खुशहाली छत्तीसगढ़ में आने, जो तरक्की हो रही है इससे और बढ़ के 4 गुना तक जो बढ़ता जा रहा है सरकार को, वो कहाँ से मैनिफेस्टो मेंटेन होगा? देखिए यहाँ जितने भी हैं स्कीम लागू हो रही हैं छत्तीसगढ़ की, वो उनमें सब में जो है ये पूरा राजस्व का मैनेजमेंट किया गया कि जितनी इसमें इनकम होती है उसी हिसाब से उसका प्रावधान किया गया, तो एकदम प्रावधान के तहत है, इसलिए उस कर्जे का कोई नहीं, बल्कि केंद्र पे बकाया पैसा। नक्सलवाद किसने खत्म किया? कांग्रेस सरकार ने खत्म किया, बघेल सरकार ने यहाँ पे आके नक्सलवाद, और उसकी जो सहायता वो जारी रहे, उस सहायता वापस ले ली केंद्र ने। एक ने अच्छा काम किया और उसमें जो है सहायता वापस ले ली। अब वही सहायता लोगों की वहाँ मदद विकास में लगनी चाहिए, आर्थिक मदद में, तो केंद्र सरकार ने वापस ले ली। बहुत अच्छा माहौल लग रहा, बहुत अच्छी रिपोर्ट आ रही है। और जो दिल्ली में बैठे भाजपा के नेता केंद्रित, वो भी मान रहे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार दोबारा आएगी। देखिए प्रथम चरण पर जो हमें कल हमने रिपोर्ट ली सारी, उसमें कम से कम हमारी 17 सीट आएंगी। उसमें आदत है जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ ये भ्रष्टाचार का आरोप लगाने लगते हैं, और अपने जो लोग भ्रष्ट हैं उनके बारे में बात नहीं करते हैं। अभी मध्य प्रदेश में देखो, एक केंद्रीय मंत्री का खुला, बेटे का खुला वीडियो आ रहा, सैकड़ों करोड़ों रुपए का, वहाँ उसको ना ईडी देख रहा ना कुछ ही कर रहे हैं। इसके पहले यहाँ जितने आरोप जो भाजपा की पिछली सरकार थी 15 साल तक उसके ऊपर लगे हैं, पनामा कांड से लेकर कहाँ कहाँ गए, कोई जाँच नहीं उस पर, कहीं कुछ नहीं दिखा। वो महाराष्ट्र में 2 दिन पहले प्रधानमंत्री बोल के आए कि अजीत पवार जो है वहाँ भ्रष्टाचार से 70,000 करोड़ की लूट की, 1 हफ्ते बाद उसने उनको ज्वाइन कर लिया, अब वो ठीक हो गया, सारी लूट खत्म हो गई, सब हो गई। तो ये तो घनघोर दुरुपयोग कर रहे हैं चुनाव में फायदे लेने के लिए, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है इस हद तक कि भारत की आज़ादी के बाद इतिहास में किसी सरकार ने नहीं किया। अब जहाँ इनको चुनाव के चक्कर में ये इस्तेमाल करते हैं सरकारी एजेंसी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इनका रिपोर्ट जारी किया है चुनाव के वक्त यहाँ का, जिसमें लिखा है सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन, मतलब हम गारंटी नहीं लेते कि तो हम जांच करेंगे, ये तो खाली आरोप है। तो ये इसलिए जो है इनकी आदत बन गई कि जहाँ चुनाव हो विपक्षी दलों के खिलाफ ही करो। आपको याद है बंगाल में
इन्होंने जाके ममता बनर्जी के साथ दुनिया भर के आरोप ईडी सीबीआई सब लगा दिए थे। जनता ने ऐसा करारा जवाब दिया, कुछ पिछली बार से ज़्यादा सीट दी ममता बनर्जी को। 2600 रुपये में धान खरीद रहे हैं और अब जो है वादा 3100 का है, 3200 का वादा किया पूरा करेंगे। कांग्रेस ने जो वादा किया पूरा किया, किसान कर्ज माफी का वादा पूरा करती, मनरेगा का वादा पूरा करती, ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम का वादा हर जगह पूरा किया। तो हम जो वादा करते हैं पूरा करते हैं, लागू करके दिखाते हैं, क्योंकि हमारे पास अनुभव है।